हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके कंप्यूटर में 100% डिस्क फुल दिखने लगे तब क्या करें। ये विंडोज 10 में प्रॉब्लम खासकर आने लगी है जहां पे कि डिस्क यूसेज 100% दिखता है आपके टास्क मैनेजर में। वेल, इसको दूर करा जा सकता है। मैं कुछ तरीके देने वाला हूं आपको आज जिनको कि इस्तेमाल करके आप 100% डिस्क यूसेज वाली प्रॉब्लम को 100% तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो अक्सर आपको ऐसा एक इशू दिखेगा जहां पे कि डिस्क यूजेज जो है ये 100% दिखेगा। पहले मेरे लैपटॉप में भी आ रहा था, फिर मैंने इसको दूर कर लिया। कैसे करा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पे सर्विसेज में जाएं और यहां पे ओपन सर्विसेज क्लिक करें। ये क्लिक करते ही आप यहां पे सर्च करें विंडोज सर्च। यहां देखिए नीचे आएगा विंडोज सर्च। यह देखिए क्लिक करके आ गया विंडोज सर्च। जो है ये एक विंडोज का बैकग्राउंड में रन होने वाला प्रोग्राम है। इसकी वजह से क्या होता है कि विंडोज आपको चीजें जल्दी कैसे दे पाए उसके लिए इंडेक्सिंग करता रहता है, जिसकी हमेशा जरूरत नहीं होती है। तो आप यहां पे जाके स्टार्टअप टाइप में जाके इसको डिसेबल कर दीजिए। आपके कंप्यूटर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। That is it। इसको ऐसे ही आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं और इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपका लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए तो आपके कंप्यूटर में चांसेस हैं कि वो 100% वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो जो मैं अगला तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। अगला जो तरीका है आपके कंप्यूटर को फास्ट करने का वो है टास्क स्केड्यूलर के जरिए। कैसे इसको एक्सेस करते हैं मैं बताता हूं। विंडोज के सर्च एरिया में जाइए और टाइप कीजिए टास्क स्केड्यूलर। ये देखिए इसको ओपन कर दीजिए। ये ओपन होते ही यहां पे देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर दिख रहा है। इसमें जाइए, इसमें विंडोज का फोल्डर दिख रहा है, इसमें जाइए और यहां पे जाएं डीफ्रैग में। ये देखिए डीफ्रैग, डीफ्रैग में जाने के बाद यहां पे इसको आप ऐसे एंड कर दीजिए। ऑलराइट, उसके बाद इसको यहां से डिसेबल कर दीजिए। आपको इनेबल करना हो तो यहां से आप बाद में उसको इनेबल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। इसको करने के बाद भी एक बार अपना कंप्यूटर जरूर रिस्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इन तरीकों से आप अपने कंप्यूटर की 100% डिस्क यूसेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।